हाँ जी स्टूडेंट्स, सुन कर दें अपना नेक्स्ट फोर्थ सम एक्सरसाइज 11.2 दाई स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने एक सर्कल दी, ओ सर्कल विच विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिधर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इनकलाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। ये एक नव कंसैप्ट है बेटा कि उन्होंने सानू टेंजेंट्स आप 3 सम के ड्रॉ की, बट वो कहें कि जिथे वो टेंजेंट्स जीडिया आ दोनों टेंजेंट्स इंटरसैक्ट करदियां ने, मिलदियां ने दोनों, तो उत्थे एंगल केड़ा बनना चाहिए 60 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल आप एक लेटर बी दी रफ एग्जाम्पल बनाने, मान लो आ एक सर्कल आ जिहदा रेडियस किन्ना क्या उन्होंने 5 सेंटीमीटर, तो दो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करनी, मान लो एक ए टेंजेंट और एक ए टेंजेंट, इन्हों दोनों का जिहड़ा जिथे वो मिलदियां आण के एंगल किन्ना होना चाहिए 60 डिग्री। सो इतने थोड़ा जहाँ मैं थोड़ा 10th चैप्टर रिकॉल करवानी बेटा, आप जो भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिहड़ियां भी टेंजेंट्स तो आपको पता है कि जिहड़ी भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेंटर तक ये की हुंदा किन्ने डिग्री का एंगल हुंदा 90 डिग्री का। इस तरह ही इधर भी की हुंदा 90 डिग्री का एंगल, तो आ की बन जाता एक तरह का एक कोआर्डीनेटर बन जाता लाइक ए बी सी ते डी। तो आपको पता कोआर्डीनेटर के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता, चारों एंगल्स का टोटल कितना होता 360। आपको 60 चाहिए, ये आपको की चाहिए 90 होता, ये भी की होता 90 होता। सो एंगल इस दी गल करते हैं आप, हुण आपको पता है कि ए 60 है 90 है ये भी 90, तो ये एंगल कितना होगा 360 बनाने के लिए, ये एंगल कितना होगा 120। तुसीं सॉल्व करके देख लेना ताकि चारों का टोटल की आवे 360 आवे। तो हुण आपां इसी चीज़ नूं फोकस करके चलते हैं। सब तो पहला ड्रॉ करते हैं सर्कल जिहदा रेडियस कितना होवे 5 सेंटीमीटर, दैन आपां नूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पैणे क्योंकि आपां 10th चैप्टर दे विच कर चुके हैं कि जो भी टेंजेंट आपां ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो वह हमेशा की हुंदा आ परपेंडिकुलर हुंदा अगर आपां उहदा रेडियस ड्रॉ करते हैं, राइट। सो सब तो पहला सर्कल ड्रॉ करते हैं, कितना रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करा, कंपस खोलेंगे आप 5 सेंटीमीटर, एरिया साढ़ा 5 और एरिया साढ़ा 0। क्लीयर बेटा जी, तो आप 5 सेंटीमीटर दे रेडियस जोड़ा आ सर्कल आ ड्रॉ करते हैं। एरिया साढ़ा 5 सेंटीमीटर का सर्कल, जोड़ा भी यदा सेंटर पॉइंट आनू एक नेम दे देवे लाइक असं नाम दे दें ओ, ठीक है। तो वो तो असी एक रेडियस ड्रॉ कर लाँगे क्योंकि सूँ पता असं इतने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, सो वो तो आप एक रेडियस जोड़ा ड्रॉ कर लवेंगे, कोई फर्क नहीं पैंता बिल्कुल स्ट्रेट लें हो या किमें लें, ठीक है। हूँ आपको पता है कि है परपेंडिकुलर होना चाहिए है, सो दैट मीनस असी इतने किन्ने डिग्री का एंगल ड्रॉ करा 90 डिग्री का। बेटा याद रखो तुम इनू कंपस नाल ही ड्रॉ करोगे, प्रोटैक्टर नाल दे नहीं ड्रॉ करना तुसीं, ठीक है। तो 90 एंगल तुहानू सबनू आंदा आ 7th 8th क्लास की सीख लैंदे हो, फिर भी मैं तुहानू एक बारी ड्रॉ करके दिखा दिंदी हाँ। सब तो पहला आप एक आर्क लगाने, कंपस नू बंद नहीं करना, खोलना नहीं, उन्नी कंपस के नाल एक इधर आर्क लगावेंगे आप, 60 का पोर्शन हो गया, दैन 60 से आर्क रखा, आप कंपस का पॉइंटर रखा, तो आर्क लगावेंगे आप 120 है, तो आप 90 चाहिए, सो इनू असी की करेंगे बायसैक्ट करेंगे, 120 तो 60 से रख के इनू की कर दो बायसैक्ट कर, याद रखो 120 रख के आर्क लगावेंगे तो 60 रख के आर्क लगावेंगे, जिथे भी ये टच कर गया आ पॉइंट से टच किया, सो इतों असी की ड्रॉ कर देंगे अपना परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी जिनी भी ड्रॉ करती है ड्रॉ करते हैं क्योंकि बाद मीट करेंगे, तो जे एक्सट्रा हुई लाइन उन्होंने इरेज कर देंगे, राइट। सो हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया, हूँ आपको पता है आपने कैलकुलेट किया कि सेंटर के सूँ किन्ने डिग्री का एंगल चाहिए 120 का, सो सेंटर के किन्ने एंगल का ड्रॉ करा 120 का, 120 का ड्रॉ करने के लिए सेम फिर सूँ की लगानी पैनी एक आर्क, असी इस तरह का सैमी सर्कल की टाइप आर्क ड्रॉ कर लाँगे, कंपस ना मैं थोड़ी घट्ट खोलनी, मैं पहले वाली कंपस के नाल ही ड्रॉ कर लिया क्योंकि सर्कल के बिच आ, सो कंपस थोड़ी घट्ट खोलनी है बेटा, ठीक है। सो आप ना सेंटर पॉइंट ये आप कंपस तो पॉइंटर लगा के 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, एरिया अपने को 60 और एरिया अपने को बेटा जी 120, क्लियर। हूँ 120 जिथे भी साडा एंगल बनया उन्हों असी सर्कल के नाल मिला देवे, आ रहा अपने को सेंटर पॉइंट, आ रहा साढ़े को 120, इनू आप सर्कल के नाल मिला देवे जिथे भी वो सर्कल को टच करता है। सो ये आ गया अपने को 120, ये 90 है, ये 120 होना, गेन इधर कितना चाहिए अपन 90, सो दोबारा फिर इधर असी किन्ने डिग्री का एंगल ड्रॉ करा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने फिर कंपस को ना तो ज़्यादा वध तो ना ही घट क्योंकि आप सर्कल के बिच ड्रॉ करना, सो ज़्यादा वध ना कंपस खुली। हूँ ए आर्क ड्रॉ करा आप, एरिया साढ़े कोल बंद नहीं करना, कंपस को खोलना नहीं, जिनी कंपस खोली है वो अकॉर्डिंगली ही आर्क लगानी है, ठीक है। कर चुके हो तुम छोटिया क्लासिज एंगल, 9th क्लास भी तुम एंगल्स ड्रॉ करने सीख के आए हो,
सो इधर रख के आके बायसैक्ट कर देवे आप हूँ आप 90 डिग्री का एंगल जोड़ा या वो ये ड्रॉ कर देंगे। हूँ आप जिथे 90 डिग्री का एंगल आ उतो आप ज्वाइन कर देंगे। क्लीयर बेटा तो इनू तुम मैयर करके देख लियो बेशक प्रोटैक्टर के नाल इतने एंगल जोड़ा है 60 डिग्री ही साढ़े को बचूगा। सो जी एक्सट्रा लाइन आनू आप कर देवे इरेज कर देंगे। ठीक है बेटा जी। सो ए बन गया साडा एंगल ओ नाम दिता इन आप ए पी तो पी दे दें साडिया टेंजेंट्स आ गई ए पी एंड पी वी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ते एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर बेटा जी।